लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जनपद वाराणसी में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों के पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जा रहा है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही टीमों का गठन भी कर लिया गया है। मतदान करने के लिए जनपद में कुल 3043 मतदेय स्थल और 1224 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। लागू करने के लिए जनपद में जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम और जो उड़न दस्ता टीम तत्काल प्रभाव से सक्रिय करा दिया गया और जो आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जो पोस्टर्स बैनर्स जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के जो लगी हैं वो सब हटा दिया गया। इसके अलावा जो अन्य टीमें हैं जो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग समिति है और भी जो टीमें हैं वो सब हमने गठन कर लिया गया। इसके साथ साथ इस बार अगर मतदाताओं की अगर संख्या देखा जाए 30 लाख प्लस वोटर्स हैं इस बार वोट डालने जा रहे हैं। जैसे ये एक विधानसभा हमारे मछली शहर की है उसमें 25 मई को वोटिंग होगी और जो बाकी 7 विधानसभा है जिसमें 2